तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम्हें मज़ीद ऑब्जर्वेशन में रखना होगा जब तक तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। डॉक्टर साहिबा, आप इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दें ताकि हम यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो चुका हूँ। तो आपको यहाँ आने का किसने कहा है हसीब? अभी तो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इन्हें मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलें ठीक है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती जैनब? देखो मुझे पता है कि तुम हर वक्त चॉकलेट, आइसक्रीम और इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खाती रहती हो, इसीलिए बीमार हो जाती हो। डॉक्टर आपको पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी जो लोग खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, अपने आप को फिट नहीं रखते और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। और मैं तो वैसे भी एक स्पोर्ट्स मैन हूँ और यहाँ अस्पताल में रह के बहुत बोर हो चुका हूँ। ये सारी बातें हम हॉस्पिटल से बाहर जाकर भी तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंदर आ जाओ सालार। सालार, लो ये फिर से आ गया। डॉक्टर इसे आप कहाँ से ले आए? नैना मुझे भी बहुत कुछ आता है, सिर्फ तुम एक्सपर्ट नहीं हो। मैं तुमसे कहना चाहता था कि अरे तुम्हें जो कहना है वो कह क्यों नहीं देते? आधे घंटे से मैं कर रहे हो। ज़ैनब तुम्हारे बालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच कहूं तो तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। सुकून मिल गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गए? ज़ैनब आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के तुम्हारे लिए ये कीमती अंगूठी खरीदी है। तुम अगर सारी जिंदगी भी लगा लो ना तो ये तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी बनाकर नहीं दे सकता, समझ गई? हाँ तो मुझे अंगूठी चाहिए भी नहीं। तुम पागल हो गई हो ज़ैनब, मोहब्बत से कभी पेट नहीं भरता है, समझ रही हो ना तुम? हसीब मेरे ख्याल से विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम जा सकते हो अब। ये क्या कह रही हैं? एक आदमी यहाँ आता है, मेरी नजरों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, बजाय उसको समझाने के आप मुझे जाने को कह रही हैं, ये कोई बात हुई? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से सालार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर रहा, इन दोनों का साथ तो बहुत पुराना है, वो तो तुम थे जो इनके बीच में आ गए, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। वो रहा दरवाजा। समझ गया, मैं भी इसके लिए नहीं मरा जा रहा। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कहने में तुमने देर कर दी? हाँ देर तो हो गई, पर बोल तो दिया। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, चाहे वो लम्हा खुशी का हो या गम का। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम खाओगी? ठीक है चलो खाकर देखते हैं। मुझे हाथ नहीं खराब करने, इससे खाऊंगा। डॉक्टर ऐसे खाइए ना, फोक से क्यों खा रहे हैं, ऐसे खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ, यानी कहने को तो एक छोटा सा काम था लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। कैसा काम? मैं आज सलार को लेने गया था ना, तो पहली बार मैंने ऐसा कोई काम किया, यानी आज से पहले मैंने कभी किसी पेशेंट की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लिया। शायद मैं भी उन्हें मशीन समझता था, उनका इलाज किया और फिर डिस्चार्ज, लेकिन असल में आज मुझे एहसास हुआ। यकीन मानो बहुत सुकून मिला। आई मीन आखिर तुमने मुझे भी खुद जैसा बना दिया। कुछ कहना चाह रही हो तुम? वो मैं एक अच्छा काम किया है आज मैंने भी। और क्या है वो? वो ये है कि अब मेरा आबिद से रिलेशनशिप खत्म। नैना सच कह रही हो तुम? नैना यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या वाकई सच में तुम बहुत खुश हो? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ मैं, आखिर तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, खुश नहीं होऊंगा क्या? और उसके साथ साथ तुम्हारा पड़ोसी भी और तुम्हारा दोस्त और मैं। और क्या? तुम्हें नहीं पता क्या नैना? नहीं मुझे तो नहीं पता। आई मीन सिनान के तौर पर बहुत खुश हो रहा हूँ ना। डॉक्टर हाँ मुझे लगता है आपको ये खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर खाना चाहिए। थैंक यू सुमैया। वेलकम। तुम खाओगी नैना? नो आप खिलाएं मुझे। अच्छा ठीक है फिर। चलो मुंह खोलो अपना।
आई सिनान, मुझे बहुत भूख लग रही है, एक्साइटमेंट में और ज्यादा लगती है मुझे। वैसे नैना, तुम एक्साइटेड होती हो तब तुम्हें भूख लगती है, तुम खुश होती हो तब तुम्हें भूख लगती है, और जब उदास होती हो तब भी। कोई ऐसा टाइम है जब नहीं लगती? नहीं तो? नहीं तो चलो फिर मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? किचन में पास्ता बनाने। ओ यार, मैं अभी पास्ता के ही बारे में सोच रही थी। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइम है पास्ता खाने का। भूख लगी हो और अपनी फेवरेट चीज मिल जाए तो क्या ही बात। तो फिर आज तुम्हें मैं शेफ सिनान की खास रेसिपी से खास पास्ता बनाकर खिलाऊंगा। मुझे बताओगे अपनी रेसिपी? नैना, मेरी रेसिपी बताने की नहीं बल्कि बनाने की होती है। जल्दी से आ जाओ। ये देखो नैना के कैसे बनता है। नजरें बिल्कुल नहीं हटानी और प्याज पर ही रखनी और एक ही तरीके से इनको काटना है। अगर तुम्हारी नजर इधर उधर गई तो प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं कटेगी और खाने का सारा मजा खराब हो जाएगा। और ये खाना बनाने का सबसे अहम उसूल है, याद रखना अच्छे से। अच्छा ये बताओ, ये जो आंसू आ रहे हैं प्याज काटने की वजह से, इसका क्या हल है? ये तो होता है नैना, हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर तुमने एक बात नोट की हो, मेरी आंखों में आंसू आए लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा प्याज से। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे तुम टेबल टेनिस खेल रही हो और तुम्हारे दोनों हाथ मसरूफ है और तुम्हारी नाक पर खारिश होना शुरू हो जाए तो क्या करोगी तुम? कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? ओह, ये तो हर दफा होता है मेरे साथ। तो फिर तुमने क्या किया, अपना ध्यान खेल पर ही रखा ना, और खारिश नहीं की ताकि तुम्हारा खेल खराब ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ सिनान। नैना, जरा गोश्त उठा के देना मुझे। हाँ बिल्कुल, ये रहा गोश्त। मेरी आंखें तो साफ करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। वैसे इस रेसिपी का नाम क्या है? सिनान कार्बोनारा। यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने सीखी थी और फिर मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आज तक इसे बनाता हूँ। ये तो कुछ अजीब सा नाम है। हाँ, क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, इसलिए इसका नाम भी मेरे नाम पर है। और नाम में क्या रखा है, जायका अच्छा होना चाहिए। अच्छा नैना, मुझे पैन पकड़ाओगी? हाँ। कितना डालूं? क्या कितना डालूं? ये नैना, तुम्हें तो वाकई कुछ नहीं आता है? बहुत ही खुशकिस्मत होगा वो लड़का जिसकी तुमसे शादी होगी, मतलब उसे जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही दुबला पतला रहेगा। यार तुमने तो कैप तक नहीं खोला, देखो इसे ऐसे घुमाकर खोलते हैं, ठीक है? तो रहना, अब इस पैन को ऐसे पकड़ते हैं, ओके? एक, दो, और बस ज्यादा नहीं। ठीक है, हम एक और डाल सकते हैं। और ये हमने डाल दिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? कम ऑन। अब तुम इसको चूल्हे पर रख दो। हाँ नैना, चूल्हे की हीट जरा तुम कम रखना, ठीक है? किस लिए? अब इसका क्या जवाब दूं नैना, अगर हीट ज्यादा होगी तो तेल जल जाएगा, इसलिए इसे कम हीट पर ही रखना पड़ेगा ताकि जायका अच्छा हो, बस इतनी सी बात। ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ याद आया, हमें तो लहसुन भी चाहिए होगा। सिनान, मगर पहले ही तुम इतनी सारी प्याज डाल चुके हो, ऊपर से इतना सारा लहसुन भी, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नैना, तुमने आज रात किसी से मिलने जाना है? नहीं तो? तो फिर क्या मसला है, इससे जायका आएगा और जायके के बगैर मजा नहीं। ठीक है, चलो अब शाबाशी से उठाओ और सब कुछ पैन में डाल दो। अरे हाँ, अंडे, अंडे कहाँ हैं? ये रहे। और ये हमारी इस डिश के सबसे खास अज्जा हैं, अंडे। तो अब क्या हम अंडे भी डालेंगे? हाँ बिल्कुल नैना, हम अंडे भी डालेंगे। सिनान कार्बोनारा, सिनान कार्बोनारा में सबसे अहम चीज होती है अंडे, और इसके बगैर जायका ही नहीं आएगा, यकीन करो मेरे। अब देखती जाओ, इसको हम कुछ देर के लिए ऐसे घुमाते जाएंगे। नमक? हाँ, अगर मुझे याद ना आता तो क्या फीका खाना खाते? नमक डालती हूँ, वैसे कितने चम्मच? दो, दो चम्मच। ठीक है, चलो अब तुम्हारी बारी। वाह यार, क्या बात है तुम्हारी। इस तरह से करना अच्छा लग रहा है मुझे। नैना का चैलेंज, वो भी अंडों के साथ। हाँ और ये हमारा खाना तैयार। यार नैना, तुम्हारे ख्याल में कैसा बना होगा? देखने में तो अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन टेस्ट का तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, खाइए और बताइए मिस नैना। ये मीठा क्यों है इतना? सिनान, मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा था? हाँ जाहिर सी बात है नैना, चीनी है इसमें।
हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया? किसने कहा कि पास्ता मीठा नहीं हो सकता? देखें तो कितना मजे का है ये, और बहुत यूनिक भी है। जरूरी तो नहीं कि पास्ता सिर्फ नमकीन ही होना चाहिए। तो तुमने 2 चम्मच नमक के बजाय चीनी डाल दी थी, राइट? ऐसा ही है? नहीं तो भला चीनी क्यों डालूंगी मैं? चले मैं मानती हूँ कि मुझे कुकिंग की इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन चीनी नमक का तो फर्क पता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके डब्बे ही मिक्स हो गए थे, तभी तो हमें चीनी और नमक का फर्क ही नहीं पता चला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही है। जाया हो गया खाना। सिनान, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? कोई उम्मीद नहीं है नैना, क्योंकि इसका इलाज ही गलत हुआ है, डबल डोज वो भी। खैर अब क्या करें, मुझे बहुत भूख लगी है यार। अच्छा सुनो, गली के कोने पे ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ का खाना बहुत जबरदस्त है और सस्ता भी है काफी। वाकई, क्यों ना वहीं से कुछ ऑर्डर करके मंगवा लें यहाँ पर, क्या कहते हो? हाँ हाँ, जरूर ऑर्डर करो नैना, वरना मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा। जल्दी करो। ठीक है, अभी ऑर्डर करती हूँ मैं। टडन! नैना, हाँ? इतना सब कुछ कौन खाएगा? अरे सुनान, क्या बात कर रहे हो, इतना सारा खाना तो मैं दिन में 2 दफा खा सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये सब खाना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, वैसे तो अभी भी नहीं है। बहुत मजे का। ये हो गया गोल। यकीन नहीं हो रहा नैना, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर कैसे किया ये सब? बट आई थिंक तो कैसे चला गया, क्योंकि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा नहीं हो सकता। बस तुमने इत्तेफाक से यूं फेंका और वो जाकर वहां पर गिर गया, राइट? अब देखो, मैं बताता हूं कि कैसे करते हैं। ये हुई ना बात, फोकस और टैलेंट, ये अहम उसूल होता है बास्केटबॉल खेलना और उसे जीतने का। एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो तुमने अभी थ्रो किया है, यकीन करो बहुत ही इजी था, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स का। देखो, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, कम ऑन। देखा तुमने, इसे कहते हैं चैंपियन। वैसे तो ये एक छोटा सा ट्रेलर था, अगर मेरा रियल टैलेंट देखना है तो कभी बास्केटबॉल कोर्ट में आओ। नैना देखो यार, तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो वरना शर्मिंदा हो जाओगी। सिनान, तुम्हारे जैसे कितनों ने मुझे चैलेंज किया है और वो आखिर में खुद ही शर्मिंदा हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सामने बास्केटबॉल में कोई नहीं टिक सकता। ठीक है, तो फिर यहाँ करीब में ही बास्केट कोर्ट है, तुम्हें तो पता होगा। हाँ पता है मुझे। ठीक है, तो फिर हम वहाँ जाकर गेम खेलेंगे, नैना वर्सेस सिनान, देखते हैं कि कौन जीतेगा। ओ सिनान, अपने सीनियर को कैसे हराऊंगी मैं? तुम चल रही हो? चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर ये सब अच्छी तरह साफ करके तुमसे नीचे मिलती हूँ। ठीक है। इसे तो पता ही नहीं कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो एपिक। डॉक्टर नैना, इस वक्त आप यहाँ? क्या कहा तुमने? सॉरी डॉक्टर नैना, वो दरअसल अली का मतलब ये है कि क्या आज नाइट शिफ्ट है आपकी? हाँ 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 हाँ। अरे वाओ, आज हम सबकी नाइट शिफ्ट है। हाँ जूनियर्स, आज हमारी नाइट शिफ्ट है और आज हम बहुत मजा करने वाले हैं, बहुत। नैना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ सब में? क्या आप भी नाइट शिफ्ट? नैना, अगर तुम ये पूछना चाह रही हो कि क्या मैं भी आज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हाँ मैं भी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैं अब चलती हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है मुझे, बहुत जरूरी। ठीक है डॉक्टर, तो मिलती हूँ बाद में। नैना। हाँ? नैना क्या हुआ बताओ मुझे प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह से इधर उधर भाग रही हो तुम। हाँ क्यों परेशान हो बताओ मुझे, क्या बात है, नाराज हो क्या मुझसे? डॉक्टर जरा मेरा हाथ चेक कीजिएगा, दर्द हो रहा है मुझे। अब ठीक है मैडम? हाँ अब कुछ बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर।
डॉक्टर सिनान, मैं जरा बाहर आबिद को देखकर आती हूँ। अली और एपिक उसे नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। नैना, नैना, नैना नहीं जाओ ना। क्या हो गया तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। नहीं, वो मैं तुमसे भाग नहीं रही, बल्कि काम है इसी वजह से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम। नैना, वो डॉक्टर, मुझे बहुत जल्दी इसलिए जाना होगा मुझे यहां से। हदे यार। हेलो, हाँ केनान, सॉरी यार, मेरे जहन से निकल गया था, वो एक बच्चा मरीज आ गया था तो मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सका। हाँ बोलो। अरे यार सॉरी, मैं आज रात गेम नहीं देख सकता, हॉस्पिटल में काम है बहुत मुझे। नहीं नहीं, नाइट शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन अपनी असिस्टेंट की मदद करनी है, नैना की। शायद तुमने उसे देखा भी होगा हॉस्पिटल में। अच्छा, अगर हम अगले हफ्ते साथ मिलकर मैच देखें तो कैसा रहेगा? ठीक है, फिर अगले हफ्ते देखते हैं सिनान। देखते हैं अब। इस बार तुम्हारा बचना हरगिज मुमकिन नहीं है नैना। उमर साहब, मैं आपको बताती चलूं कि आपके तमाम जरूरी टेस्ट हो चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपकी मंगेतर आ रही है, वो रास्ते में है। मेरी मंगेतर? वो तो अनकरा में है। लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी, वो अभी रास्ते में ही है। ये कैसे हो सकता है? वो अनकरा से कैसे आ सकती है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे अभी फौरन डिस्चार्ज कर दें। एक मिनट। देखो उमर, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें काफी गहरी चोटें आई हैं और तुम इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन हो। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें डॉक्टर, मगर मेरा जाना जरूरी है। उमर क्या हुआ, क्या कोई मसला है? मसला? मसला तो बहुत बड़ा है। मैंने अपनी मंगेतर से झूठ बोला था, उससे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं एक मेल नर्स हूँ। अब अगर उसे पता चला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं उसे खो ना दूँ। वो एक बड़े घर की लड़की है। उमर, तुम्हें उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलता तो क्या करता, उससे कैसे सच बताता? उसे लगता है कि मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जॉब करता हूँ, मैं कभी पकड़ा भी नहीं गया। अब उसे पता चला तो मैं क्या करूँ? वैसे इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं, I mean, मेल नर्स होने में कोई इतनी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और अगर तुम नसरीन को सब सच बता दो तो शायद वो मान जाए। बिल्कुल, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आपको जरूर समझेंगी। हाँ बिल्कुल, आप लोग सच कह रहे हैं, आप जिसे चाहते हो उसे छुपाना या झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सच बताने में ही भलाई होती है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। प्यार में सच से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना? उमर, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। ये डॉक्टर्स दोस्त है ना तुम्हारे? हेलो उमर, वैसे ये सब कुछ हुआ कैसे? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये? बिल्कुल, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। जैसा कि आपने कहा, हम डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स दोस्त हैं उमर के, हम इनसे आज ही मिले और आज ही दोस्ती भी हो गई।
वैसे तो ये भी खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, लेकिन क्योंकि मैं इनका डॉक्टर हूं तो मैं आपको मजीद बता देता हूं। इनकी हालत खतरे से बिल्कुल बाहर है। इनकी एक टांग में फ्रैक्चर आया है जबकि दूसरी टांग बिल्कुल ठीक है। इनकी खुशकिस्मती है कि इस हादसे में इन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई, लेकिन इनके सर पर थोड़ा सा जख्म है जिसकी रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श आई है, तो परेशानी की बात नहीं। मगर आज रात ये हमारे साथ ही रहेंगे ताकि हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। नसरीन मैडम, क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आ सकती हैं? कुछ बताना है मुझे आपको, मेरा मतलब कुछ जानना जरूरी है आपके लिए। अगर बुरा ना माने तो चले? ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। देखो, झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती, और वैसे भी तुम नर्स हो तो इसमें इतनी शर्मिंदगी वाली क्या बात है? देखो, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब तो उसे पता चल जाएगा ना इस सबके बारे में, तब क्या करो? बात तो ठीक है। देखो, अगर दो प्यार करने वाले एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनी सारी बातें शेयर करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैंने उससे झूठ बोला है, पर सच कैसे बताऊं उसे? देखो, हो सकता है कि नसरीन के वालिद को पता चले तो उनका वो रद्द अमल ना हो जो तुम सोच रहे हो। आप सच कह रहे हैं, नसरीन मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है, वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे ये सब कुछ कैसे बताऊं? उमर, क्या नहीं बता सकते तुम मुझे? ऐसा क्या है जो छुपाना चाहते हो मुझसे? तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेल नर्स। मैं तुम्हें शुरू में बताना चाहता था लेकिन डरता था कि मैं कहीं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूं। यही खौफ मुझे खा जाता था, इसीलिए यह हकीकत मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। अब जो भी तुम्हारी मर्जी है मुझे कबूल है। बिल्कुल पागल हो तुम तो, कैसे सोच लिया तुमने? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी जॉब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ गए? डॉक्टर, ग्रेट हैं आप। नैना, ग्रेट मैं नहीं बल्कि इन दोनों की लव स्टोरी है। देखा, सच बोलने में कितना फायदा होता है, समझ आई? नैना, तुम कहां रह गई हो यार? वाह, फिर से फोन बिजी जा रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है कि फोन इतना बिजी कैसे जा सकता है। ताली मारो। हर वक्त नाराज क्यों रहते हो तुम? आबिद, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और देखा तुम्हारा चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो गया। तुम कभी अपना बच्चा पैदा नहीं करना, वरना तुम उसे मार मार के ना उनके टुकड़े कर दोगे और बच्चे ना तुमसे इतना दूर भागेंगे तुम सोच भी नहीं। अबे तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ अपना सामान उठा लूँ। दिमाग खराब मत करो। बहुत शुक्रिया। सॉरी सिनान, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नैना, देर से आने का मसला नहीं, लेकिन मैं परेशान हो गया था बहुत। क्यों, परेशानी की क्या बात थी? काफी थक चुकी हूँ आज, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। सॉरी, आज तो हमें डिनर के लिए जाना था। तो फिर कभी चले जाएंगे, सारा वक्त तो हमारा ही है वैसे भी। ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ नैना, एक मिनट रुको। आ, आ, यार तुम बहुत अच्छे हो। ये मेरे लिए है? तो तुम्हारे अलावा और किसके लिए खरीदूंगा? ये कैसा है? यार बहुत अच्छा है ये। नैना, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया था, लेकिन मुझे कभी भी कोई भी बात बता सकती हो तुम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मालूम है, शुक्रिया सिनान। अगर ये तुम्हें इतने पसंद आए हैं तो मैं दोबारा भी ला सकता हूँ ना?
हाँ बिल्कुल. सिनान, कल वैसे हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं? ओके, कल हम मूवी देखने जाएंगे रात को. ठीक है फिर, इस तरह मैं तुम्हारा बदला भी उतार दूंगी. बदला उतारोगी? अच्छा, जब मर्जी उतार लेना, कोई मसला नहीं. लेकिन फिलहाल तुम बहुत थकी हुई हो, तो तुम्हें जाकर सोना चाहिए. ठीक है. ठीक है, गुड नाइट. गुड नाइट. नैना, तुमने फिर से ये कैमरा ऑन कर लिया? हाँ सिनान, क्योंकि मैं इन लम्हों को बहुत ही यादगार बनाना चाहती हूँ. यहाँ देखकर थोड़ा मुस्कुरा भी दो. मेरी तरफ करो कैमरा. मेरी तरफ? हाँ. मैं तुम्हें एक अहम बात बताता हूँ, जिसे तुम गौर से सुनना. कसम खाता हूँ नैना, जो लड़का तुमने पसंद किया है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम है, और ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है. फजूल बातें मत करो तुम. अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हमें एक बहुत अच्छा सा और जबरदस्त सा गुलदस्ता चाहिए. जी जरूर सर, मिल जाएगा. वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं इनका ताल्लुक टीवी चैनल से तो नहीं? नहीं नहीं, हम टीवी वाले बिल्कुल नहीं हैं. वैसे तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो इन्हें छोड़ें, आप अपना टाइम जाया मत करें. अब मेरी बारी. आयला डियर, हम लोग अभी तुम्हारे लिए फूल देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में किसी किस्म की कमी हो. अब क्या शुरू करें हम? हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं. ठीक है, हाँ इसे रिकॉर्ड पर ही रखना. हाँ लाओ मुझे दे दो और तुम आराम से फूल देख लो. आई, कितने अच्छे फूल हैं ये. कौन से फूल लूं? चलो इन्हीं में से कुछ ले लेती हूँ मैं. ये मैंने उठा लिए. आई, ये सफेद वाले भी कितने अच्छे हैं. इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, ये भी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. इन्हें भी ले लेती हूँ. ये भी ले लिए, और ये पिंक वाले भी. ये भी ले लिए. ये लो. आई, सब कुछ कितना अच्छा है यहाँ. इसे भी उठा लेती हूँ. ये सब ठीक हो गए. सिनान, वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं वाले फूल. ऐसे करती हूँ, इसे भी ले लेती हूँ मैं. आई, ये दो बेचारे भी गिर गए, इनका क्या कसूर है. इन्हें भी उठा ही लेती हूँ मैं. उठा लिए मैंने, उठा लिए. बस ये और भी. एक मिनट रुक तो जाओ. सिनान, ये देखो, क्या इसे भी उठा लूँ मैं. जैसा तुम्हें अच्छा लगे मेरी नाना. देखो आयला, कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है मैंने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए. आबिद, कैमरा मेरे मुंह पर नहीं बल्कि इन फूलों पर रखो. क्या रखो यार, तुम लगी इतने अच्छे रहे हो, मैं क्या करूं. अच्छा है ना सिनान? हाँ नैना, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा बड़ा है? नहीं भाई, इतना तो होना ही चाहिए ना. तो ठीक है, वैसे भी इसकी पेमेंट तो तुम्हें ही करनी है ना. हाँ बिल्कुल, मैं ही कर देती हूँ, इसमें क्या हर्ज है. देती हूँ मैं. ठीक है, ये लीजिए. एक बात पूछूं मैडम, इतना बड़ा गुलदस्ता किस लिए? मेरी दोस्त के लिए, जिसको कोई प्रपोज करने वाला है. अब देखना आयला, जब ये कीमत बताएगा फूलों की, तो तुम्हारी दोस्त मुकर जाएगी और तुम्हारी फूल नहीं लेगी. आबिद, ये फूलों वाला आज तो पूरी पार्टी करेगा जाकर. अच्छा मुझे ये तो बताएं कि इसके कितने पैसे दूं? सिर्फ और सिर्फ 8,000. क्या? आप ये तो बहुत ज्यादा है. और कोई भला फूलों के पैसे इतने कैसे बता सकता है यार, हद होती है हर बात की. वैसे भी मैंने 2-4 फूल ही तो लिए हैं. ठीक है मैडम, तो आप ही बता दें कितना देंगी. अच्छा मैं बताऊं, तो मैं इन फूलों के 1500 बल्कि 2000 ले लो, बस इतने ही. 1500 या 2000? ये लीजिए. क्या इसमें थोड़े अरसे बाद फूल आएंगे? भाई हम आपको तंग कर रहे थे, आप एक काम करें, हमें वही गुलदस्ता दे दें जो इन्होंने पसंद किया था, मैं आपको पे कर दूंगा. वाकई शुक्रिया सिनान. कोई बात नहीं नैना. वैसे सर, आपकी मंगेतर बड़ी खुशकिस्मत है. आप कैसी मंगेतर? हमारी अभी तक मंगनी नहीं हुई है, और ना ही ऐसा कुछ इरादा है अभी. वैसे हम लोग कैसे मिले ये भी आपको बता देती हूँ. एक सुबह मैंने अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसे देखकर तो ये मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो गए थे. और गुस्सा होने का मौका एक बार नहीं मिला इन्हें, हर आए दिन मैं कोई गलती कर देती थी और ये गुस्सा हो जाया करते थे मुझ पर. और मैं मानती हूँ कि उसमें सारी गलती मेरी होती थी, इनका कोई कसूर नहीं होता था. चुप हो जाओ प्लीज. देखो हमने तकरीबन सारे ही काम कर लिए. तुमने जहाँ जहाँ जाना था हम गए. मौसीकी का काम हो गया, अंगूठी का काम हो गया, और अब ये फूलों का भी गुलदस्ता हमने डिसाइड कर लिया. तो क्यों ना अब तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ. वाह 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 वाह, इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है, और बहुत ही कोई रोमांटिक सीन है जिसको मैं शूट कर रहा हूँ. वैसे मुझे शर्म आ रही है सब कुछ शूट करते हुए, क्योंकि तुम लोग रोमांस का कोई मौका जाने नहीं देते. आबिद, लाइए आप इधर देते प्लीज. ये लीजिए मैडम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच, आपकी मदद का शुक्रिया. मोस्ट वेलकम. चलो अब जल्दी चलो यहाँ से. आबिद, कैमरा मेरी तरफ करो. वो चला गया यार, आ जाओ. एक मिनट की बात है यार,
चलो। डॉक्टर, मेरा मतलब है सिनान। सिनान, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ मैं। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह मेरी मदद की, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, बल्कि मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी शरारतों को नजरअंदाज कर देते हो, ऊपर से ख्याल रखते हो मेरा। कभी कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज कह देती हूँ शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, अगर कहो तो मैं गाड़ी चला लेता। आबिद, आबिद बात सुनो मेरी, इन फूलों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ मैं। याद रखो, अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी मैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना, और जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। अब कैमरा दो मुझे। क्या हो गया है यार नैना, तुम्हें लगता है कि मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता? हाँ मानता हूँ मेरी रेपुटेशन खराब है, मान लिया ना, बस करो यार, नीयत अच्छी होती है मेरी। अच्छा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर बैठना है। अबे तुम पहले तमीज से बात करो। सिनान साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो म्यूजिक का काम हो गया, फूल अंगूठी खरीदनी, हमने तकरीबन सारे काम हो गए। ये तकरीबन का क्या मतलब है नैना? तकरीबन का ये मतलब है कि अभी फायरवर्क्स और बलून्स बाकी रह गए हैं। यार नैना क्या तुम मुझे पागल करने आई हो इस दुनिया में? हाँ फायरवर्क्स बलून्स, यहाँ कोई जश्न मना रहा है जो ये सब कुछ कर रही हो? पागल कर दिया तुमने मुझे। अब क्या हुआ? हम लोग सबसे अहम काम तो भूल ही गए हैं। मेरा मतलब है कि जगह के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं है, और इस तबोल में जगह मिलना कितना मुश्किल है। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, दिमाग खराब कर दिया है मेरा तुमने, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ यार। बुरा मत मानना, तुमने मुझे पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ जगह देखनी है, तो बताओ कहाँ जाना है, कैसी जगह चाहिए तुम्हें? तो हम लोग जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, जैसे ही हमें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी उसके बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे और कहीं नहीं। चलो शाबाश। वैसे अभी तक हमने जो वीडियो बनाई है उसमें से तुम्हारा चीखना निकाल दें तो उसमें से फिर कुछ भी नहीं बचता। नैना कुछ कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। एक बात बताऊं तुम दोनों बिल्कुल इंतहाई मुनफरद किस्म के पागल हो। चुप हो जाओ अबे, चुप। पहले ये कम थी जो दूसरा भी आ गया। बहुत बुरी बात है सिनान। जितनी मोहब्बत तुम नैना से करते हो मुझसे भी करते हो। आबिद। हाँ यहाँ रुक दो। नैना, हाँ। शायद हम ये चौथी या पांचवी जगह देख रहे हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी अब बस हो चुकी है, और अब मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करने वाला सच में। यार ये तो यहाँ भी सो गया, ये कैसा इंसान है, समझ से बाहर है मेरी। मैं भी उतर के बाहर देख लेती हूँ क्या है। हाँ। आह, मुझे एक दफा फिर बेवकूफ बना के दोनों भाग गए, मगर मैं जाने नहीं दूंगा इनको। ये जगह बहुत ही अच्छी है, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी है, और अच्छी बात यह है कि इधर स्विमिंग पूल भी है, और इसे हम अपनी मर्जी से भी सजा सकते हैं। यार नैना क्या हो गया तुम्हें, आराम से, तुम्हें ये लॉक नजर नहीं आ रहा क्या? लेकिन देखो मुझे तो नजर आ रहा है वो। मैं अभी जाती हूँ और उससे बात करके फौरन वापस आ जाऊंगी। नैना तुम्हें क्या हो गया यार, प्लीज खुदा के वास्ते चलो यहाँ से इस वक्त, चलो मेरे साथ जल्दी। चलो चलो अभी थी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं आती हूँ। नैना नैना क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल पागल है, इसको समझाना नामुमकिन है यार। कहाँ चला गया वो शख्स? वैसे कैमरे में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं आती यार, जबकि मैंने बहुत ट्राई किया कि कोई अच्छी आ जाए। डॉक्टर मैं। नैना खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज़ और नहीं बोलोगे, इधर लाओ ये जल्दी। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ तुम इस नैना साहिबा। आबिद जरा इधर देखो। जी नैना साहिबा, तो अब आप कैमरे की तरफ देखें, यहाँ कैमरे की तरफ। ओके तो बताइए मिस नैना कि रात के इस पहर किसी बंद होटल में घुसना और उसके बाद आपकी इस हालत पर क्या कहना है आपका, बताइए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आबिद ये पकड़ो जरा। नैना ओह, और आज कैमरामैन को एक बहुत ही रोमांटिक मंजर देखने को मिल रहा है। एक शहजादी ने एक महल के अंदर घुसने की कोशिश की, और उसके बाद जो है एक शहजादा अब उसको खामोश करा रहा है, क्योंकि शहजादी को बहुत सर्दी लग रही है, क्योंकि शहजादा बहुत खड़ूस है, मगर उसे रहम आ गया है शहजादी पर। यार आबिद बस जहां मौका मिलता है शुरू ही हो जाते हो, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। यार नैना
देखो यार, मैं सच में तुम पर इस वक्त गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने जो हरकत की रात के इस पहर इस तरह होटल में घुसना, कितना मना किया मैंने तुम्हें, हाँ, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। कितने प्यार से मैं तुम्हें समझा रहा था कि इस वक्त यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा। तुम्हें तो हमेशा अपनी करनी होती, कभी तो इंसान किसी की सुन लेता है यार, कभी तो सुन लेता है। और अब पता है क्या होगा, अब तुम हो जाओगी बीमार और इसमें भी सारा मेरा ही कसूर होगा, राइट? और मैं ही पागल हूं जो तुम पर गुस्सा कर रहा हूं। वैसे मैं तुम्हें समझाई क्यों रहा हूं, तुमने तो हर काम का उलट करना है जो मैं तुम्हें बोलूंगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ऐसा लगता है पागल हो गया हूं मैं। अगर इतना ही तंग कर रही हूं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, हां? फिर चाहे मैं बीमार हूं या मर जाऊं, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए मेरी। जब देखो मुझ पे चीखते रहते, जानबूझ के थोड़ी करती हूं मैं। चले जाओ यहां से, मुझे छोड़ दो मेरे हाथ में, जाओ यहां से। एक लगाओ ये रखो अपने पास, और इसकी जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। यार नैना, और शहजादे और शहजादी की लड़ाई हो गई, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा मत, मजीद तफसीलात के लिए अभी हाजिर होंगे। यार नैना, मुझसे तुम नाराज मत, देखो अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। सुबह से तुम अपनी मर्जी कर रही हो और उसके बाद यूं इस तरह अपनी तबीयत खराब कर रही हो। अगर मेरी बात सुन लेती तो ये सब नहीं होता ना, उसके बाद ये पहनने के लिए दिया तो ये भी उतार दिया। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो समझ नहीं आता। मैं ये फूल और कैमरा छुपा देती हूँ ताकि आयला की नजर ना पड़े इन पे। यार मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो, हाँ? अच्छा बात सुनो मेरी नैना, तुम पूरी भीग गई हो, जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देता हूं। शाबाश। आज अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सिनान। गॉड ब्लेस यू। नमक। कौन है? पता नहीं। वैसे एक बात है डॉक्टर सिनान, कि तुम्हारा बाथरूम बहुत ही साफ सुथरा है और मुझे बहुत मजा आता है वहां जाकर। आबिद ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे घरों में रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, मगर मैंने तुम्हारे जैसा बाथरूम किसी का नहीं देखा। अगर इसके बाथरूम में कोई चीज गिर जाए ना तो मैं उठा के खा सकता हूँ नैना, लिटरली तुम बिलीव नहीं करोगी इस बात पर। और इस बात के लिए डॉक्टर सिनान को ना अलग से नंबर मिलने चाहिए। बात सुनो, पहली बात तो ये कि जाओ नीचे और जाकर मेरा बाथरूम धो कर आओ। दूसरी बात, ये चप्पल दोबारा पहनकर यहाँ ऊपर मत आना। और तीसरी बात ये कि तुम अपना ठिकाना जल्द ढूंढ लो। एक मिनट, मुझे ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है डॉक्टर सिनान, मैंने तकरीबन अपने लिए घर का इंतजाम कर लिया है और बहुत जल्द शिफ्ट हो जाऊंगा। और जिस तरह का घर मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, उस घर को देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और लोग टिकट देख के देखने आएंगे, और तुम सुराख से जब अंदर झांक रहे होगे ना तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। क्या मसला है? आह, सूप बना रहे हो? खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बताता हूँ किस चीज की खुशबू है। ये तो है, मेरी नाक सब कुछ बता देती है मुझको। टोमेटो सूप बना रहे हो तुम, जिसमें प्याज भी डाली है तुमने, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। एक बोल मेरे लिए भी कर देना। अब क्या हो गया नैना? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं पे कर दूंगा, इसीलिए मुंह बना हुआ है ना तुम्हारा। क्या क्या मेरे कानों ने क्या सुना? तुमने यही कहा ना कि तुम पैसे दे दोगे? तुमने वाकई डॉक्टर यही कहा ना कि तुम पैसे दे दोगे? मेरा कोई वहम तो नहीं है ना? यार आबिद, अब तुम्हें क्या हो गया? आह, वैसे तुम्हें ना इस दुनिया में मुझ जैसा दोस्त मिल गया है जो कि बहुत ही बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। बल्कि तुम लोगों को तो अपनी किस्मत पे फख्र करना चाहिए कि तुम लोगों को मुझ जैसा दोस्त मिला है, क्योंकि सोल्यूशन है मेरे पास तुम लोगों के लिए। सिंपल, तुम लोग अपना इवेंट मेरे रेस्टोरेंट में कर लो, सिर्फ 550 पर हेड देना पड़ेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, वो भी डिस्काउंट के साथ। आबिद चुप हो जाओ वरना खिड़की से नीचे फेंक दूंगी तुम्हें, और ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर लेकर तुम्हारे सर पे मार दूंगी। शर्म नहीं आएगी हमसे पैसे लेते हुए? हाँ नैना, कारोबार में दोस्त दुश्मन की तरह होता है, यही सुना है मैंने बचपन से। हाँ बहुत अच्छी बात की तुमने। तुम इतने दिन से मेरे घर पर रह रहे हो तो अब तुम मुझे हर दिन के 100 लीरा दोगे, और तुम जो खा पी रहे हो उसके अलग होंगे। वैसे सूप बहुत मजे का था, इसमें और डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो तुम लोगों से सिर्फ मजाक कर रहा था यार। तुम लोग जब आना चाहो मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते हो, बल्कि वो तुम लोगों का अपना ही रेस्टोरेंट है, जो चाहो जैसे चाहो कर सकते हो वहाँ। बल्कि तुम लोगों को वहाँ पर पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से ऑफर है तुम लोगों के लिए। वैसे कल मैं अपने बॉयज से भी कह दूंगा कि तुम लोगों से पूछकर तुम्हारा मनपसंद अरेंजमेंट कर दे, और अगर तुम सूप नहीं पी रहे हो तो फिर मैं अपने साथ ही सूप को ले जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए, अम्मी यही कहती थी। आबिद
नीचे जाकर सबसे पहले बाथरूम साफ करना तुम। ओके, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, हरगिज भी नीचे आकर चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि तुम्हारे इस तरह से करने से मेरी नींद खराब हो जाती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पियो। मुझसे ये पिया नहीं जा रहा, वैसे बनाया तुमने बहुत अच्छा है, क्या इसे वापस रख सकती हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं आना, तुम्हें ये पूरा खत्म करना होगा ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं पिया जा रहा। नखरे मत दिखाओ मुझे। शाबाश शाबाश शाबाश, मुंह खोलो तुम अपना, ये लो। हाँ, शाबाश, अब तुम कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पक्का सिनान? बिल्कुल मिस नैना, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ आप ये इवेंट बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, और सुबह तक तुम इधर उधर भागती दौड़ती फिर रही हो। वैसे ये तो सही कह रहे हो बिल्कुल तुम, जब आयला इस अंगूठी को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर वो ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि बाजिल के हाथ में देखे। हाँ तो मैं कल पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी ताकि मेरा वजन कम हो जाए और ये आराम से निकल जाए। अच्छा ठीक है नैना, कल तुम कुछ भी मत खाना, लेकिन अभी तो तुम्हें इसे खत्म करना पड़ेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। शाबाश शाबाश, जल्दी से खत्म करो अब इसे, बस थोड़ा सा रह गया। कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या मैंने हमेशा के लिए पीछे नहीं मान सकते? नैना कसम से यार, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ आखिर। हर बार सोचता हूँ कि शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर तुम कुछ नया लेकर आती हो हमेशा। लेकिन अच्छे तो लग रहे हैं ना? हाँ, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ रास्ता पता है ना? हाँ मैप तो यही बता रहे। यार सिनान, मैप के मुताबिक तो यही जगह है। हाँ नैना, हम इस गोदाम पर क्या करने आए हैं? जो चीजें हमें लेनी है वो तो हमें दुकान से भी मिल सकती थी, क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम भी यहाँ आतिशबाजी का सामान लेने आए हैं, घूमने के लिए नहीं। देखो तो। हाँ लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ तो कोई भी इसलिए नहीं है यहाँ क्योंकि इस जगह का किसी को मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई क्यों आएगा? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा आतिशबाजी का सामान मिलेगा कहाँ। नैना उफ नैना, अब और क्या ड्रामा होने वाला है हमारे साथ नैना। हाँ तो इस वक्त हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं। हम यहाँ आतिशबाजी का सामान लेने के लिए आए हैं, और जैसे ही हमें सामान मिल जाएगा हम वापस लौट जाएंगे। अब इस तरह नैना, नैना क्या कर रही हो यार, बगैर इजाजत वीडियो मत बनाओ। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं जिससे इजाजत ली जाए। अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन पहले चलकर आतिशबाजी का सामान देख लेते हैं कि कहाँ से मिलेगा। चलो सिनान मैं अभी जाती हूँ अंदर, डब्बा लेकर आती हूँ। नैना यार, नैना रुको एक मिनट। नैना क्या कर रही हो यार? कुर्सी पर एक अंकल सो रहे हैं। उठाओ इनको। बात सुनिएगा प्लीज, प्लीज बात सुनिएगा हमारी। यार सो रहे हैं ना, सोने दो, क्यों जगा रहे हो? अच्छा तो फिर और क्या करूं नैना, अगर इन्हें जगाऊंगा नहीं तो आतिशबाजी का सामान किससे लेंगे? डब्बे के अंदर देखो, यही होगा। देखता हूं। नैना तुम्हारे साथ रहकर क्या क्या करने लगा हूं मैं, यही है। चलो उठाओ से। हम कैसे ले सकते हैं यार, वो आदमी तो सो रहा है। इसी में तो मजा है। रुको जरा। काफी है ना? चलो क्या कर रहे हैं हम, कसम से जल्दी चलो। जल्दी जल्दी कोई काम नहीं कर सकते यार तुम लोग बगैर मेरी मदद के। ओफ, ओ वाओ, मेरे फ्रेंड्स आ गए फाइनली। खुशामदीद खुशामदीद दोस्तों, आबिद के रेस्टोरेंट में खुश आमदेद। कितनी मेहनत करवाते हो यार तुम लोग। यार इधर आना, इन लोगों से सामान ले लो, थक गए होंगे ये लोग। और डॉक्टर साहब से भी ये बॉक्स ले लो, और एहतियात से, अगर सामान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आबिद बात सुनो मेरी, जैसा हमने कहा था सब वैसा ही है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? तुम बेफिक्र हो जाओ, सारी तैयारियां मैंने शुरू करा दी हैं और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। ओके अगर कोई भी कमी हुई
तो एक बात याद रखना, तुम्हारा गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगी। एक बात बताएं यार, आप इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आंखें या बटन यार, सब कुछ तुम्हारे सामने है, सारी तैयारियां हो रही हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा एक काम करो, तुम लोग जाओ और जाके तैयार हो जाओ। चलो नैना चलो। जाओ जाओ तैयार हो नैना। नैना अब चलो यार। नैना आ जाओ। अरे यार ये तो बात बात पे डराने लगी है। हद है यार, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सुनो टाइम नहीं है, जल्दी करो। और तुम, जब मैं गया था तो तुम कवर्स बिछा रहे थे, अब मैं वापस आया अभी तक वही काम कर रहे हो यार। सिनान क्या आज रात के लिए तुम्हारा सूट और टाई रेडी है? नहीं मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, तो क्या सूट पहनूं मैं? हाँ बिल्कुल, इतनी तैयारी का फिर क्या फायदा होना है। हाँ मगर मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं, और तुम्हें पता है मैं टाई लगाता नहीं। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल, हम अभी के अभी बाहर जा रहे हैं और जाके शॉपिंग करते हैं अपने लिए। यार अगर ये नहीं उतरी तो क्या होगा? यार नैना शॉपिंग की क्या जरूरत है, मैं घर जाकर देख लूंगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे नहीं तो प्लीज मेरी ये आखिरी बात मान लो तुम। प्रॉमिस? हाँ। अच्छा ठीक है तो चलो फिर। बहुत ही उम्दा। इस अंगूठी को देखते ही बिना झिझक कोई भी लड़की हाँ कर देगी। ये तो वो अंगूठी है जिसको देखने के लिए हर लड़की की नजरें तरस जाती हैं। जब मैं ही इतनी हैरान हो गई हूँ तो आयला इसे देखकर पागल ही हो जाएगी। इसे तो अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। हाँ सिनान, लड़की के लिए मोहब्बत और वफादारी की निशानी होती है, मगर इस अंगूठी में तो हम जैसे दोस्तों का प्यार भी शामिल है। मुझे तो ये अंगूठी इतनी पसंद आई थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद सकती हूँ इसको। देखते हैं अब तुम क्या करोगी जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आयला तुम जानती हो आज न्यूज में क्या बताया गया है कि आज का मौसम बहुत ही खराब है और तेज तूफान आने का भी अंदेशा है। यार मुझे तो न्यूज सुन के बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब तुम मुझसे मौसम का अहवाल डिस्कस करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ यार, तुम इतने उदास जो हो। उदास नहीं हूं मैं, उदास होने से ज्यादा मायूस जरूर हूं मैं। यानी अगर बासिल इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा या शादी के फैसले के बारे में इस तरह से सोचेगा, इसका मतलब तो मोहब्बत थी ही नहीं कभी। अगर ऐसा ही है तो बेहतर है दूर हो जाए हम दोनों। बस करो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे उदास चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है। क्या करोगे तुम, वक्त को पीछे ले जाओगे?
नहीं तो अगर मैं डॉक्टर होने के बजाय कोई साइंटिस्ट होती तो इस बारे में जरूर सोचती, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ वो डोडो का टैलेंट है जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगी। डोडो तैयार हो जाओ सबके लिए। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम मुझे कैसे आके बताते हो और तुम अपने दो पैर कैसे उठा के बताते हो? चलो नखरे नहीं करो, डोडो उठो ना। बहुत बुरी लगी मुझे ये हरकत। आयला मेरा यकीन करो, जब इसे भूख लगती तो बिल्कुल ऐसे ही करता जैसे मैंने तुम्हें बताया। मैं भी हैरान हो गई थी देखकर, मगर अब देखो इसके नखरे। चलो अब ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। नहीं यार चाय छोड़ो, बल्कि ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, हो सकता है मेरा मूड ठीक हो जाए। आबिद। आह आबिद यार, कसम से बहुत थका हुआ हूं मैं। आह प्लीज मुझसे ज्यादा बात मत करो, क्योंकि काम बहुत है मेरे पास और मुकाबला सख्त है, बाद में तुम मुझ पे चीखने शुरू कर दोगे। आबिद ये तुम क्या कर रहे हो यार? पोछा तमीज नहीं है? तुम घर में हरगिज़ भी जूतों के साथ नहीं घूम सकते हो डॉक्टर। अब तो पांव उठाओ, जल्दी करो, दूसरा भी उठाओ। तुम दोनों क्यों नहीं उठा लेते एक साथ? अबे ठीक है यार, ठीक है। डॉक्टर होके सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें। देखा तुमने कितना साफ हो गया। मैं इस घर में रहता हूँ तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि इस घर को साफ रखूं, और तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब मैं सफाई कर रहा हूँ तो तुम्हें मदद करनी चाहिए इसके बदले कि तुम मुझसे सवालात पूछो। तुम सवालात बहुत पूछते हो पता है। अबे इसको इससे साफ नहीं करते यार, सफाई निफ्समान है। हाँ अबे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको इससे नहीं बल्कि किसी कपड़े से साफ करते हैं यार। आबिद कपड़े से। वैसे आखिर तुमने किया क्या है बताओ मुझे। मैंने क्या किया भाई? आबिद तुमने बिला वजह तो फर्श साफ किया नहीं होगा, कोई ना कोई तो हरकत की होगी, तो बताओ मुझे आखिर तुमने किया क्या है? जल्दी बताओ। ऐसे मेरा दिल किया तो साफ कर दिया मैंने। डॉक्टर अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई और साथ साथ इस घर से भी। मैंने डिसाइड किया है आज से कि मैं इस घर का हर तरह से ख्याल रखूंगा और आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ओके। अरे वाह आबिद क्या बात है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ओ हैरत है मुझको कि तुम्हें लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि भाई हो, भाई बिल्कुल सगे। नहीं आबिद ये आपकी गलत फहमी है। ये क्या है आबिद? आबिद ये सब क्या है? हाँ बताओ मुझे कौन हरकतें करता है इस तरह की घर पर? जवाब चाहिए मुझे, जवाब। झूठे इल्जाम मत लगाइए। ये चिप्स का पैकेट तुमने खाया था कभी? और जब मैं इस घर में आया था तो ये नहीं पड़ा था। मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखो अगर आज कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें 5 सेकंड में यहाँ से बाहर निकाल देता, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हें जो मर्जी करना है जाके करो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा आज। आज ऐसा क्या हुआ है कि इसका मूड इतना अच्छा है? आयला सुबह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। सिनान की मैंने अभी तक कोई भी बात नहीं मानी। सिनान ने मुझे अपनी तरफ से मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं मानी। हाँ एक बार तो मेरा दिल पिघलने लगा था लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला, और तो और अभी तक नाराजगी ही चल रही है हमारी। जबरदस्त नैना। नैना क्या हुआ? मुझे लगता है अब ये जंग अकेले ही लड़नी होगी तुम्हें। क्यों क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो क्या? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वैसे भी इन हालात का सामना कर तो रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे लेकिन अब मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। सिनान है ना वो? चुप जाती हूं मैं। डॉक्टर अगर आप फिर ये तो कुछ पूछना था मुझे। वो उधर देख रहा है, जाओ 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 जाओ। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या करती फिर रही हूं मैं। लगता है कि पागल हो गई हूं। डॉक्टर? हाय डॉक्टर नैना। हाँ जूनियर बताओ क्या बात है। डॉक्टर नैना अगर आपके पास वक्त है तो मुझे मरीजों के बारे में कुछ बात करनी थी। अगर जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात कर लेंगे, मुझे भी कहीं जाना है। लेकिन डॉक्टर मुझे काम अभी खत्म करना है इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ ठीक है फिर जल्दी बताओ।
ये लीजिए, ये आपकी फाइल है। थैंक यू। आयला। आयला, हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बाजिल, मसरूफ हूँ मैं। आयला, आयला। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कुछ कहना था, अगर टाइम हो तो। कहो, सुन रही हूँ मैं। ये कहना चाह रहा था कि बिस्तर देखे खराब हो चुके हैं। सुना है कुछ नए बिस्तर आए, वो बहुत अच्छे। बिल्कुल, तो बस मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा मतलब अगर कुछ कमरों में, यानी अगर हम जाकर चेक कर लें तो अच्छा होगा। हम दोनों? हाँ बिल्कुल, यही। तुम्हें क्या लगता है बाजिल, तुम यूँ बच्चों वाली हरकतें करके मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ लोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? हाँ था तो वाकई पागलपन। अच्छा देखो आयला, एक मौका दो मुझे। कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बाजिल, फैसला कर चुकी हूँ मैं। बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को समझ जाओ। क्या मुसीबत है यार, हॉस्पिटल में बैठकर हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ इसे ऐसे कर दो। ओके तो मिस नैना, आप ये देखना चाहती हैं कि मिस्टर सिनान रोमांटिक हो भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैं कितना रोमांटिक हो सकता हूँ। तुम लोगों को और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं डॉक्टर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। चलो कुछ तो समझ आया। क्या मतलब कि कुछ तो समझ में आया? मैंने कहा बहुत जल्द समझ गई। अच्छा वाकई, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं चलती हूँ अब। सॉरी डॉक्टर, खुदा हाफिज। तुमने उनके सामने ये सब कुछ क्यों कहा? नैना। लाइन में लगो बच्चों, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ऐसे नहीं करो। अरे अरे बच्चों, क्या कर रहे हो, रुको। नैना इधर आओ। बच्चों भागो, तो नहीं खड़े, रुक जाओ। नैना बच्चों जरा आराम से, क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रहे हो? ठीक है बच्चों, जाओ तुम जाओ। तुम लोग तो ऐसे भाग रहे हो जैसे ये कोई पिकनिक पॉइंट हो। अरे बच्चों गिर जाओगे, क्या हो गया, क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से आराम से। माफी चाहती हूँ डॉक्टर, मैं इन सबको एक साथ यहाँ ले आई। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शोर तो करेंगे ही। वो दरअसल मैं थोड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक था ना बहुत। अच्छा तो आप इन सबको वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? कर लूंगी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बच्चे है, मैं इन सबको तो नहीं यहाँ से लेकर जाती। हाँ ठीक है, ले जाओ। अरे रुको यार। बेटा आराम से। भागो नहीं, गिर जाओगे तुम लोग। ओके, कितने मसले हैं यार, अब मैं क्या करूं? नैना के शहजादे को क्या करना चाहिए? यकीनन ऐसे तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा मुझे, मगर कैसे? क्या वाकई तुम ऐसा कर पाओगे सिनान? चलो फिर हो जाए, देखते हैं अब क्या हो। सब गड़बड़ कर दी इन बच्चों ने। नैना, हेलो चेक। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे संभल जाएंगे। देखो शोर मत करो, आराम से। अरे जरा देख कर कहीं लग ना जाए। बच्चों रास्ता दो। चलो आप किस तरफ चले जाओ, चलो जाओ बच्चों। इनकी तबीयत बहुत खराब है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो बच्चों चलो, आ जाओ, शाबाश, चलो चलो शाबाश, हो जाओ। तुम नब्ज चेक करो, लगता है इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, जल्दी से जाकर ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ, जल्दी से। सूजन भी हो रही है इसे डॉक्टर। ठीक है, हमें इनका फौरन इलाज करना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है, वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास। नैना मुझे लगता है मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी से तुम फौरन। सब रेडी है? ठीक है ठीक है, तुमने सब चेक कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी लगाएं इन्हें, जल्दी। ठीक है, आराम से, आराम से, गुड। अब ये बेहतर है, मुझे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए फौरन। जी ठीक है डॉक्टर। शुक्र है कि अब सब ठीक है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, उसकी जान बच गई। नैना, मैं जानता हूं तुम उससे नाराज हो, और तुम सही भी हो, और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि माफ नहीं करोगी तुम, ठीक है, लेकिन तुम एक दोस्त होने के नाते मेरी कुछ मदद तो कर सकती हो ना? दोस्त और मैं? हाँ नैना, एक दोस्त बनकर, क्योंकि एक मसला हो गया है जिसका हल मैं अकेले नहीं निकाल सकता, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ ठीक है, फिर तो बताओ क्या करना होगा। हुआ क्या है? दरअसल अभी नहीं बता सकता, मतलब मैं यहाँ नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे यकीन है कि
तुम किसी की मदद करने से इनकार नहीं करोगी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं समझ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्त आखिरकार होते किस लिए हैं? थैंक यू, ठीक है। तो फिर हम रात में मिलते हैं और साथ चलेंगे। ठीक है, रात को चलेंगे। मुझे अब क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। जरूर। ठीक है फिर। खुदा हाफिज। देखती जाओ नैना, इस बार नहीं पछताओगी तुम। अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं हम इस वक्त, बता सकते हो मुझे? नैना सरप्राइज, मतलब मदद करने, मतलब तुम मेरी मदद करने जा रही हो और वहीं जाकर बताऊंगा। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, तो तुम तैयार हो ना नैना? आयला एक मिनट रुकोगी प्लीज? मैं नहीं रुक सकती बाजिल, बहुत थक चुकी हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। आयला क्या हो गया? रुके बात तो सुन लो मेरी। बोलो क्या है? डिनर पे चलो मेरे साथ, बस डिनर, कुछ बातें करनी है मुझे तुमसे सिर्फ। बाजिल मुझे तुम्हारे साथ किसी डिनर पर नहीं जाना, मुझे घर जाकर आराम करना है। ठीक है चलो डिनर पे, लेकिन सिर्फ डिनर ही होना चाहिए। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। आयला और बाजिल भाई है ना? अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, इन फाइलों को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया था, कुछ ज्यादा ही संभाल के रख दिया था मैंने इनको, पता नहीं क्या हो गया मुझको। या मेरे अल्लाह, भूल जाओ तुम हिना को, खुद को संभालो। मलिक क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं किसी को याद कर रहा हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है। मैं कोई हिना के पीछे दीवाना थोड़ी हो रहा हूँ, मुझे तो बहुत सी लड़कियाँ मिल सकती हैं और मैं ऐसे ही ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का। ठीक है मलिक मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना सुमैया। अरे ना तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ हिना कैसी हो? मैं सुमैया, क्या तुम फ्री हो भी? नहीं तो मैं सोच रही थी कि हम मिल लेते हैं, क्या हम मिल सकते हैं अभी? ठीक है समझ गई मैं, चलो तुम वहां पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। चलो खुदा हाफिज। अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा, इसी तरह जिद पे अड़ी रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुमैया। बहुत परेशान था वो। वाकई परेशान है, बहुत परेशान है वो बेचारा, क्या बताऊं मैं तुम्हें अब। बस अब बहुत हो गया है ना, ये मामला खत्म करो उससे बात करके, मुझे तो तरस आता है उस पे, बेचारा मजनू बन के घूमता रहता है। यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना, वो भी सिर्फ एक घर के लिए। तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा, एक दूसरे को चाहते हो, मोहब्बत करते हो, और तुम्हें पता है ना मलिक तो सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे। और तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, जिंदगी में सबसे कीमती चीज सच्ची मोहब्बत होती है, पता है ना तुम्हें? तो क्या सोचा? वैसे यहाँ क्या लेने आए हैं? हाँ नैना सबर करो, सब पता चल जाएगा, चलो। अच्छा ही होता, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ओके बाय। नैना रुको एक मिनट, ये क्या क्या है?
और बस पहुंच गए। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। नहीं नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि पूरी बात नहीं बताई थी। हाँ, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ऐसे कैसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा नैना? देखो, इतनी खूबसूरत टेबल सजी है जिस पर इतने मजे के खाने हैं, और ये सब मैं अकेले तो खा नहीं सकता। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर जेब देता है। कैप्टन, हम तैयार हैं। हाँ तो मिस नैना, बैठिए। अपना बैग दे सकती हैं मुझे?